हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल और आज हम बनाएंगे हरी मिर्च की दो अलग अलग प्रकार की चटनियाँ। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च और सिंगदाने की चटनी। उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है एक कटोरी रोस्ट किए हुए सिंगदाने जो मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं, एक कटोरी चॉप की हुई हरी मिर्च, एक कटोरी हरा धनिया, 2 स्पून क्रश किए हुए लहसुन, 1 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। सबसे पहले गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, अब हम उसमें तेल डालेंगे। तेल आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। नियर अबाउट मैंने 1 चम्मच तेल लिया है यहाँ पे। सबसे पहले हम उसमें क्रश किए हुए हरी मिर्च डालेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे 5 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनना है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है। अब हम उसमें लहसुन ऐड करेंगे, इसे भी हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब आप देख सकते हैं लहसुन भी अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स सब ऐड करेंगे। जीरा पाउडर, ग्राइंड किया हुआ सिंगदाना और हरा धनिया और स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 2-3 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से भून गए हैं और सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम जो चटनी बनाने वाले हैं वो है हरी मिर्च और तिल की चटनी। और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है 1/2 कटोरी चॉप की हुई हरी मिर्च, 1/2 कटोरी रोस्ट करके ग्राइंड किया हुआ तिल, 1/2 कटोरी कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक, आवश्यकता अनुसार क्रश किए हुए लहसुन और 1/2 चम्मच राई। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। अब सबसे पहले उसमें मैं राई डालूंगी। राई को अच्छे से फूटने देंगे। राई अच्छे से फूट गई है, अब मैं उसमें क्रश किए हुए लहसुन पेस्ट ऐड करूंगी। ये लगभग मैंने 1.5 स्पून लिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। किसी को ज्यादा लहसुन अच्छी लगती है तो वो 2 या 2.5 चम्मच भी ले सकते हैं। अब 1 मिनट तक पहले मैं लहसुन को अच्छे से भून लूंगी। अब मैं उसमें चॉप किए हुए हरी मिर्च ऐड करूंगी। अब हरी मिर्च को हम अच्छे से भून लेंगे। हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से हरी मिर्च को भूनना है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप तीखी मिर्चियां यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कम तीखी मिर्चियां भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, आप उसका भी ये चटनी बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हरी मिर्च अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए तिल ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक और कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से भून गए हैं। अब ये चटनी सर्व करने के लिए रेडी है। ये 2 प्रकार की हरी मिर्च की चटनियाँ आप चपाती या भाकरी के साथ खा सकते हैं। ये दोनों चटनियाँ 8 दिन तक फ्रेश रहती हैं और ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर आप चाहें तो इस चटनी में दही या नींबू का रस मिलाकर उसे खा सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपीज आपको मिलती रहे।